नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। ऊधम सिंह नगर मुख्यमंत्री ने किया लाभार्थियों के साथ वर्चुअल संवाद। खबर देवभूमि। उत्तराखंड राज्य के जनपद ऊधम सिंह नगर, जिसे रुद्रपुर महानगर के नाम से भी जाना जाता है, के कलेक्ट्रेट कार्यालय से है, जहां मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के जनपद ऊधम सिंह नगर के लाभार्थियों के साथ वर्चुअल संवाद किया। मुख्यमंत्री से संवाद के दौरान राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़ी श्रीमती कमला ने कहा कि उन्होंने NRLM के तहत पहले 1 लाख रुपए और उसके बाद 2 लाख रुपए का CC लिया। उनके समूह से 10 महिलाएं जुड़ी हैं। कोरोना काल में सरकार द्वारा समूह को 2 बार 6,000 रुपए की धनराशि दी गई। श्रीमती कमला ने कहा कि उनकी मासिक 20 से 25 हजार रुपए की बचत हो जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थी श्री विक्की सिंह ने बताया कि पहले वे टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे, उन्हें PM आवास योजना के लाभ मिला और घर में बर्तन खरीदने के लिए राज्य सरकार की ओर से भी 5,000 रुपए मिले। इसके अलावा उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार की अनेक योजनाओं का लाभ लिया है। तपन मजूमदार ने कहा कि उन्हें नजूल नीति का लाभ मिला। इसका लाभ लेने के लिए उन्हें किसी भी ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़े। इसकी सभी औपचारिकताएं जल्द पूर्ण हुई। श्रीमती कविता तिवारी ने कहा कि उन्होंने 10 लाख रुपए के कृषि यंत्र लिए, जिसमें उन्हें 8 लाख रुपए की सब्सिडी मिली। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रक्रिया शुरू करने के बाद सब्सिडी का लाभ बहुत जल्दी मिल गया था। ऊधम सिंह नगर के सलमान और श्रीमती हिना ने उनके बच्चे का निःशुल्क इलाज होने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने वाले लोगों से आह्वान किया कि सभी पात्र लोगों को योजनाओं का पूरा लाभ मिले, इसके लिए अन्य लोगों को भी जागरूक किया जाए। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में हम सबको अपना योगदान देना है, मुख्यमंत्री ने बताया। इस अवसर पर PDDRDA हिमांशु जोशी, मुख्य कृषि अधिकारी AK वर्मा, मुख्य उद्यान अधिकारी भावना जोशी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी नफीस जमील, मुख्य चिकित्साधिकारी मनोज शर्मा, जिला प्रोबेशन अधिकारी व्योमा जैन सहित अन्य अधिकारी एवं विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी उपस्थित थे। स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट।